अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड फाइन। तो जी, आज का जो रिव्यू है ना, वो है हेवन डफ वाइटनिंग क्रीम। तो हमने जो है ना यूज़ की हुई है, सभी ने ही तकरीबन की हुई होगी। और अब मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ जो है स्प्रे। ठीक है, यहाँ स्प्रे पर भी इन्होंने क्रीम लिखा हुआ है, बट दिस वन इज़ स्प्रे। अब मैं यहाँ आपके साथ शो करूँगी, जैसे हमारा V7 का स्प्रे है और उसके अलावा भी और स्प्रेज है ना, वाइटनिंग स्प्रेज, उसी तरह से ये हेवन डफ का स्प्रे है। सबसे पहले यहाँ कैरेटिन लिखा हुआ है। बात कर लें इसकी पैकेजिंग की, तो यहाँ पर कुछ पर्ल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट्स, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट्स और एवोकाडो एक्सट्रैक्ट्स इसमें शामिल है। साथ इसमें SPF 30 है। बिफ़ोर आफ्टर रिजल्ट्स भी दिखा दिए हैं। बाकी आपने कुछ इसमें पढ़ना हो तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर डायरेक्शन फॉर यूज़ दी हुई है कि हमने इसको बहुत करीब से नहीं यूज़ करना, कहीं जाने से 15 मिनट पहले हमने अपने इसको फेस पर लगाना है। और जी, साथ ही बच्चों की से दूर रखें, आई से दूर रखें, ताकि हमारी आईज़ इससे इफ़ेक्ट ना करें, इस पर इफ़ेक्ट ना हो। चलें जी, बाकी आप यहाँ देख लीजिएगा, ये यहाँ कुछ इस तरह से स्प्रे करने का थोड़ा बहुत तरीका भी इन्होंने दिखा दिया है। ठीक है, अब ये इसमें जो जो चीज़ें आप चाहो पढ़ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन इट। ओके, अब इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो बहुत प्यारी पैकेजिंग है, मुझे बहुत पसंद आई। ठीक है, अब मैंने जो मंगवाया ना, मैं गोल्डन वाइट तरह की होती हैं, तो यहाँ पर जो आया है वो है रेड कलर में स्प्रे इसका। अच्छा जी, काम सबका एक ही है, आई थिंक नाम अलग अलग हैं। चलें, अब यहाँ पर मैं आपको रिजल्ट्स दिखा देती हूँ। और अब स्प्रे किस तरह करना है, हमने पहले अच्छे से इसको शेक करना है। चाहे यहाँ वो भी लिखा था कि इसको पहले अच्छे से शेक करें, शेक वेल बिफोर यूज़। उसके बाद ये देखें, ये इसके अंदर भी यही पैकेजिंग है। और साथ ही ये 200 ml की बॉटल है। ठीक है, 200 ml की ये बॉटल है, मतलब अच्छा खासा है इसमें स्प्रे। और ये देखें, करीब से नहीं करना, अब करना है दूर से थोड़ा सा स्प्रे। ये देखें, और ये देखें, यहाँ मैंने जस्ट 4 ड्रॉप्स यहाँ पर डाले हैं। और अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। इसको फेस पर यूज़ कर सकते हैं, नेक पर यूज़ कर सकते हैं, फेस पर लगाएं, नेक पर लगाएं, अपने बॉडी पार्ट पर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। साथ ही यहाँ इसकी ये देखें, एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से हो रहा है ये। ठीक है, और इसका मैं फ़ाइनल रिज़ल्ट आपको आपके साथ शो करूँगी और बताऊँगी इसको लगाने के बाद मुझे कैसा फ़ील हुआ। ये देखें, यहाँ मैंने इसको अब्ज़ॉर्ब किया। अब इसको मैं ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी, बहुत ज़्यादा रब नहीं करना फेस पर। और ये देखें, इसका रिज़ल्ट चेक कर लें। ठीक है, और ये जब ड्राई हो जाएगा ना हाथ पे या फेस पर हमारे, तो इसलिए बोला है कि पहले से लगा लें, कहीं जाने से 15 मिनट पहले। ठीक है, ये देखें यार, बहुत अच्छे रिजल्ट्स, बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत सूट किया, मुझे बहुत पसंद आया। और कहीं आने जाने के लिए अर्जेंट यूज़ करना हो तो ये बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। और साथ ही अब मैं इसका वाटरप्रूफ टेस्ट भी करूँगी आपके साथ। यहाँ ये देखें, स्प्रे बहुत आला है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, 10/10 रिकमेंडेड है। और यहाँ पर इसकी शाइन भी इसके अंदर अपनी है, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ थोड़ा सा मैंने पानी लिया, अब मैं इसको अपने हाथ पर गिरा रही हूँ। यहाँ पर पानी से आप देख लीजिएगा, ये देखें, अब यहाँ इसको ड्राई करने के बाद ना मैं थोड़ी देर पानी को हाथ पे छोड़ूंगी और फिर रब करूँगी कि देखते हैं कि ये हटता है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, अब मैंने इसको हटाया और यहाँ पर तस से मस नहीं हुआ, इट मीन्स कि ये वाटर प्रूफ है। ठीक है, और साथ ही ये और सेट हो गया है, पानी से ये और सेट हो गया, मुझे ऐसा फील हुआ। और ये देखें, हाथ भी साफ़ आ गया इसमें से, यहाँ पर इट मीन्स ये वाटर प्रूफ है, कहीं नहीं गया। तो ये मेरी तरफ से भाई रिकमेंडेड है, आप लोग लेना चाहें ज़रूर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। डू विज़िट ऑन माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।